मांसपेशियों को मजबूत बनाने और उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए दुनिया का सबसे नंबर वन सप्लीमेंट है क्रिएटिन। यह बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। प्राकृतिक रूप से मांस क्रिएटिन का सबसे अच्छा आहार स्रोत है। क्रिएटिन को शरीर की मांसपेशियों में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सिर्फ 1 घंटे की आवश्यकता होती है। कसरत या व्यायाम करने के 1 घंटे से पहले क्रिएटिन लेने की अनुशंसा की जा सकती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्रिएटिन सप्लीमेंट क्या है, क्रिएटिन खाने के फायदे और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। क्रिएटिन क्या है? क्रिएटिन एक रसायन है जो आमतौर पर शरीर की मांसपेशियों और मस्तिष्क में पाया जाता है। क्रिएटिन सामान्यतः लाल मांस और समुद्री भोजन रूपी आहार में पाया जाता है। प्रयोगशाला में भी इसका निर्माण किया जा सकता है। क्रिएटिन का उपयोग आमतौर पर अभ्यास प्रदर्शन में सुधार करने और एथलीटों या अधिक उम्र के वयस्कों में मांसपेशी द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्रिएटिन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो शरीर के द्वारा क्रिएटिनिन फॉस्फेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। क्रिएटिन फॉस्फेट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक पदार्थ बनाने में मदद करता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मांसपेशी संकुचन के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह मांस या मछली जैसे प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। मांसपेशी कार्यों में क्रिएटिन सप्लीमेंट के फायदे। क्रिएटिन मांसपेशियों के द्रव्यमान को बढ़ावा देने के लिए एक लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। नई मांसपेशी की वृद्धि के लिए यह प्रोटीन के गठन को बढ़ावा देता है जिससे नए मांसपेशी तंतु का निर्माण होता है। यह मांसपेशी द्रव्यमान को बढ़ावा देने वाले कारक GFAK के स्तर को भी बढ़ा सकता है और ATP-PKB मार्ग को भी उत्तेजित कर सकता है। क्रिएटिन की खुराक मांसपेशियों के पानी की मात्रा में वृद्धि करती है जिसे सेल वॉल्यूमाइजेशन के रूप में जाना जाता है, जिससे मांसपेशियों के आकार में तेजी से वृद्धि हो सकती है। कुछ शोधों से यह भी पता चला है कि यह सप्लीमेंट मांसपेशियों के विकास को रोकने के लिए जिम्मेदार अणु मायोस्टेटिन के स्तर को कम करता है। क्रिएटिन पाउडर के लाभ फेफड़ों की बीमारी में। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD वाले लोगों में क्रिएटिन के प्रभाव काफी फायदेमंद हैं। अतः क्रिएटिन लेना फेफड़ों के कार्य या व्यायाम क्षमता में सुधार कर सकता है। क्रिएटिन खाने के फायदे तीव्र व्यायाम प्रदर्शन में। क्रिएटिन ATP को सीधे ऊर्जा उत्पाद में बदल देता है, इस वजह से यह तीव्र अभ्यास प्रदर्शन में काफी सुधार कर सकता है। एक शोध के द्वारा पाया गया कि यह सामान्य से 15% तक अधिक तीव्र अभ्यास प्रदर्शन करने में मदद करता है। क्रिएटिन कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शरीर के अनेक कारकों में सुधार कर सकता है जिनमें शामिल हैं ताकत में वृद्धि, मांसपेशी द्रव्यमान रिकवरी, मांसपेशी सहन शक्ति में वृद्धि, मस्तिष्क प्रदर्शन बैलिस्टिक पावर, दौड़ने की क्षमता में वृद्धि, थकान में कमी करना। क्रिएटिन के नुकसान। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान क्रिएटिन के उपयोग से बचें। बच्चे के लिए उचित रूप से 2 से 6 ग्राम क्रिएटिन प्रतिदिन लेना सुरक्षित है, लेकिन इससे अधिक मात्रा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डाल सकती है। यदि गुर्दे की बीमारी है तो क्रिएटिन का प्रयोग न करें। क्रिएटिन गुर्दे की बीमारी को और खराब कर सकती है। क्रिएटिन की उच्च खुराक पेट दर्द, जी मिचलाना, दस्त और मांसपेशी में ऐंठन आदि समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं। यदि आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो गर्मी में व्यायाम न करें, क्योंकि इससे निर्जलीकृत की समस्या पैदा होती है। तो हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा hashmi.com चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।